तो इस वजह से हमने जो है अपनी लॉन्ग राइड कैंसिल कर दी है अभी के लिए। भाई नहीं रुक रहा, मैं नहीं रुक रहा, बाइक भगा रही है मेरे को। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। ऐसे करते करते आगरा ना निकल जाऊं कहीं मैं। और ऐसा नहीं है कि जाएंगे नहीं, तबीयत सही होते ही अपन फट से निकल जाएंगे। खाली हाँ। तो भाई क्या हाल है सबके, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। लेकिन आज तुम्हारा भाई बढ़िया नहीं है, मतलब अभी जो है सुबह के बज रहे हैं 7:30। आपको टाइम दिखा देता हूँ एक बार ही, ये देखो सुबह के 7:30 बज रहे हैं। और भाई आज आपका सुबह जल्दी सो के उठ चुका है, 6:30 बजे का मैंने अलार्म लगाया था और बढ़िया 6:30 बजे अपन उठ गए थे। लेकिन उसके बाद मैं लेटे लेटे सोचता रहा कि एक मिनट, हाँ तो लेटे लेटे मैं उसके बाद सोचता रहा कि भाई ये राइड पे निकलूँ कि नहीं निकलूँ। एक्चुअली सीन क्या हुआ है कि 15 तारीख तक मैं राइड पे जा नहीं सकता था, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा था कि भाई 16 को तो निकलना ही है, नहीं तो 17 को निकलना ही है, पर मेरी जो है तबीयत हो गई ख़राब। अब उसके बाद मैंने सोचा कि अगले दिन निकलूँगा। अब फीवर जो था वो थोड़ा बहुत आया पर वो चला गया, और मेडिसिन मैंने ले ली थी अच्छे से। और मेडिसिन लेने के बाद मैंने सोचा अगले दिन सुबह उठ के तो अपन पक्का राइड पर निकल जाएंगे। लेकिन भाई सुबह सो के जब उठाऊँ तो मेरी हालत ऐसी है कि फीवर तो एकदम सही है लेकिन चेस्ट में कंजेशन है थोड़ा सा और स्नीजिंग भी है। अब यार देखो मैं रिस्क लेकर राइड पे निकल भी जाऊँ लेकिन मैं जाऊँगा पब्लिक प्लेसेस पे और जहाँ मेरे को जाना है, और जितनी भी जगह अपन राइड करते हैं वहाँ पर काफ़ी लोग होते हैं जो मिलते भी हैं, तो पब्लिक प्लेसेस पे मैं अपनी इस हालत को लेकर नहीं जा सकता। थोड़ा सा उनकी सेफ्टी भी देखनी होती है क्योंकि यार क्या फ़ायदा मैं, मेरे को खांसी वगैरह आ जाए, जैसे अभी मेरे को काफ़ी ज़्यादा ये बोलते ही आ गई है, ये फेक नहीं है भाई, ये सच में आई है। तो अगर क्या फ़ायदा मेरे को उन लोगों के सामने कहीं पर खांसी आ जाए और मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो जाए राइड पे, तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगेगा मुझे भी और उन्हें भी दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से हमने जो है अपनी लॉन्ग राइड कैंसिल कर दी है अभी के लिए। और ऐसा नहीं है कि जाएंगे नहीं, तबीयत सही होते ही अपन फट से निकल जाएंगे। और अभी मैं आपको चल के दिखाता हूँ सुबह सुबह का सीन अपना कैसा था, क्योंकि भाई अपन झूठ नहीं बोल रहे हैं, अपना पूरा प्लान था निकलने का। ये देखो यहाँ पर मैंने जो है अपना राइडिंग बैग तैयार कर रखा था, पूरा टेल बैग गार्डियन गियर्स का, और इसमें सामान भी मैंने डाल दिए थे जो सर्दियों के मेरे को ले जाने, क्योंकि अपन जो है जा रहे थे यहाँ से माइनस के टेम्परेचर में, मतलब जहाँ का प्लान मैंने बनाया था वहाँ का टेम्परेचर लगभग -20 -30 तक भी जा सकता है। वैसे तो अभी उसका टेम्परेचर -3-4 चल रहा है, पर जैसे जैसे हम आगे आगे राइड करते रहेंगे बहुत ज़बरदस्त टेम्परेचर मिलने वाला था, और वो ज़बरदस्त टेम्परेचर ना मेरी हालत ज़बरदस्त ख़राब कर देता। इस वजह से मैंने कहा भाई थोड़ा ब्रेक लगा, मैं सोलो निकल रहा था वैसे भी, और अभी मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि भाई की हालत कैसी है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, आप लोग समझदार मेरे दोस्तों और भाई लोग हो तो समझ ही जाओगे इस चीज़ को कि भाई देखो जब तक हेल्थ सही ना हो ना, अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी हेल्थ है, और तब तक वो सही ना हो तब तक राइड पर निकलना सही नहीं लगता। तो ये जो है यहाँ पर अपना रेनकोट भी मैंने रख दिया था, क्योंकि स्नो वगैरह जहाँ पर होती है ना तो फिर स्नो में बड़ी दिक्कत होती है बाइक चलाने में। अब तो समझ ही गए होगे भाई, स्नो होती मतलब मज़ा ही आ जाता। ऐसा नहीं है कि जाएंगे नहीं, जाएंगे तबीयत सही होते ही निकल जाएंगे। और यहाँ पर जो है हमने ग्लव्स भी रख दिए थे अपने, ये रखे अपने राइडिंग ग्लव्स, बढ़िया एकदम। इसमें ठंड वंड ज़्यादा लगती नहीं है, पर वार्मर भी मैं लेके जाता अंदर। और ये अपने पैड पड़े हैं राइडिंग पैंट के, ये राइडिंग जैकेट निकाल के हमने रख दी थी जिसके अंदर पहले से ही जो है थर्मल लगा दिया था हमने। और ये अपनी राइडिंग पैंट पड़ी हुई है यहाँ पे। बूट्स भी हमने जो है निकाल के रख दिए थे बढ़िया एकदम, जिससे कि थोड़ी हवा लग जाए इनको पहले। और ये मैंने रेन कवर रात को मशीन लगाई थी उसमें धो दिया था। बाहर के कुछ ऐसे हालात हैं भाई, ये देखो सनराइज हो चुका है बढ़िया, यहाँ से दिखेगा नहीं इतना अच्छे से, ये देखो। अबे यार यहाँ से सनराइज दिखता है इतना बढ़िया, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, कभी हमने नोटिस ही नहीं किया। तो अभी ऐसा कुछ मौसम है, तो यहाँ का जो मौसम है, तो यहाँ का मौसम तो इतना भैया भी गिर जाता मैं, तो यहाँ का मौसम इतना बेकार नहीं है, यहाँ का मौसम काफ़ी सही है। लेकिन भाई साहब जैसे जैसे अपन हाई ऑल्टीट्यूड पर चलेंगे ना मौसम ख़राब होने लग जाएगा, और हालत तो दुगनी ख़राब होने लग जाएगी अपनी। अब मैं थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लेता हूँ। और ऐसा नहीं है कि भाई राइड पे नहीं जा रहे हैं तो अपन छोटी मोटी राइड नहीं कर सकते, मतलब ऐसी सिटी में, तो इसीलिए अभी पहले नाश्ता वगैरह देखता हूँ क्या करना है, और उसके बाद बाइक लेके एक शॉर्ट स्पिन मार के आते हैं जिससे कि अपने दिल को तसल्ली हो जाए, क्योंकि राइड पे तो जा नहीं पाए। तो अभी बढ़िया हमने अपने लिए चाय बना ली है,
और सुबह सुबह ना ज्यादा कुछ खाया नहीं जाता, इसीलिए सुबह चाय और बिस्किट ही सबसे बेस्ट लगते हैं। Take it away, take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. अब फटाफट से चाय पीते हैं और उसके बाद बाइक का कवर हटा के लेके इसको निकलते हैं। मैंने लिटरली ये कम से कम एक डेढ़ हफ्ते से चला ही नहीं है, तो सोच रहा हूँ उसपे कपड़ा ही मार लेता हूँ। बाइक भी साफ कर दी है, बढ़िया। एक बार ही जरा इसको स्टार्ट करके छोड़ देता हूँ क्योंकि एक डेढ़ हफ्ते से चला ही नहीं है भाई। क्या बात है, बाइक लगती तो अपनी बहुत जबरदस्त है। और अच्छा हुआ टैंक पैड लगवा लिया, स्क्रैचेस वगैरह नहीं लगेंगे। अब लेके निकलते हैं, अभी मौसम ठीक ठाक हो गया क्योंकि 8:30 बज चुके हैं, धूप निकल गई है बढ़िया। और यहाँ तो मैं ऐसे शॉर्ट स्पिन मार के आ सकता हूँ, बाइक से राइड कर सकता हूँ। ये देखो कैसे लड़ रहे हैं, अभी आ जाएंगे पास। हाँ भाई देखा, ये बिस्किट विस्किट खा खा के ना ढीट हो गए एकदम। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। अबे म्यूजिक, भूल गया ये मेरे को हेलमेट में चोर वोर तो नहीं समझ रहा, शक्ल ही ना पहचानने में आ रही हो इसको मेरी। कोई नहीं बाइक तो अपनी हो चुकी है, बढ़िया कोल्ड स्टार्ट हो चुकी है, अब लेके इसको निकलते हैं। और भैया है, कैसे हो? अच्छा ठीक है, चलो। अभी अपनी बाइक में पेट्रोल भी अच्छा खासा है, 147 की रेंज दिखा रहा है, और भाई साहब ये बढ़िया चीज़ है इसमें। अब चलो निकलते हैं भाई। हाय हाय मज़ा आ गया, एक डेढ़ हफ्ते से बाइक नहीं चलाई, ऐसा लग रहा है महीनों हो गए भाई साहब। मैं तो जैसे भूल ही गया हूँ बाइक चलाना कैसे चलाते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? भाई साहब काश मैं अभी ये बोल रहा होता सुबह कि अपन निकल रहे हैं लॉन्ग राइड पे फाइनली, लेकिन यार हालत थोड़ी सही नहीं है और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी को हो जाए, ठीक है। और इस जगह इस बार राइड पे तो मेरा प्लान भी कुछ और था, इस बार ही तो मेरा हॉस्टल वगैरह बुक करने का प्लान था, तो हॉस्टल में तो वैसे ही बंक बेड्स होते हैं, वहां पर तो एक साथ काफी सारे लोग होते हैं। कहते कहाँ से बुड्ढा आ गया, ये कहाँ से जा रहा है पूरे टाइम रात भर, तो इस वजह से मैं कहा छोड़ो भाई, जवानी में बूढ़ा करार कर दिया जाएगा हमको, तो इसी वजह से हमने कहा रहने दो यार, राइड तो हो जाएगी थोड़े टाइम बाद भी, पहले हेल्थ, फर्स्ट प्रायोरिटी इज आवर हेल्थ। ये छोटी राइड तो अपन कर सकते हैं यही सिटी में। और अभी जो है 8:45 हो चुके हैं, क्या बात है, लेकिन लग रहा है सुबह के जैसे 6:30-7 बज रहे हो गर्मियों वाले, लेकिन अभी ट्रैफिक मिलने वाला है तगड़ा भाई साहब। चलो भाई, नहीं रुक रहा मैं, नहीं रुक रहा, बाइक भगा रही है मेरे को। अभी रुक जा यार, अभी रुक जा बेटा, अभी ट्रैफिक है, अभी से इतना थ्रॉटल की जरूरत नहीं है। लो भाई अपन ऑलमोस्ट आ गए हाईवे पे, और इतना ज्यादा ट्रैफिक है ना ऑफिस आवर्स में, क्योंकि 9 बजने ही वाले हैं, इस टाइम सब निकलते हैं ऑफिस के लिए। मतलब भाई साहब अपन निकल जाएंगे अब लेफ्ट साइड से, क्या बात है। ये अभी अपन चढ़ेंगे हाईवे पे, राइट साइड जाएंगे ही नहीं अपने ट्रैफिक में, इधर की तरफ चलेंगे, खाली होगा आगे। वेरी चालाक ब्रो, ट्रैक मोड में डालने। ओह हा, क्या फीलिंग है। भाई साहब इतने दिन बाद चला रहा हूं ना, तो मैं सोच रहा हूं चलाऊ नहीं इसको, उड़ा ही लूं। ये हल्का सा यहाँ पे ब्रिज छोटा सा है, इस वजह से हल्का जाम है, वरना तो खाली रहता है आगे इसके बाद, तो मुझे एक्सपेक्ट नहीं था पर इस साइड भी जाम मिलेगा।
तो ठीक है कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो अपन एडजस्ट कर लेंगे यार। चलो भाई इस रेड लाइट तक का ही था सारा ट्रैफिक, अब इसके आगे कुछ नहीं है। हवा लग रही है हल्की ठंडी मीठी मीठी, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है क्योंकि धूप निकल चुकी है, बढ़िया सूरज निकल गया। ओह देखो भाई साहब, मैं तो सोच रहा था शॉर्ट स्पिन मारने की, ये तो लंबा ही हो गया, फिर भी काफ़ी आगे आ गया। ऐसे करते करते आगरा ना निकल जाऊँ कहीं मैं, पर मज़ा आ गया सच में। काफ़ी दिन बाद बाइक चलाओ ना, पता है क्या क्या करो यार, अगर अपनी बाइक से बोर हो गए हो ना, जैसे काफ़ी साल पुरानी हो गई है या फिर काफ़ी टाइम से चलाए जा रहे हो, कुछ दिन के लिए ना उसे खड़ा कर दो, 3-4 दिन या 1-1.5 हफ्ते के लिए चलाओ ही मत, और फिर उसके बाद उसका कवर उतारो, उसको धुलवाने के लिए ले जाओ, और उसके बाद चाबी घुमाओ और लेके निकल जाओ 30-40 किलोमीटर के लिए, और फिर देखना जो आनंद आएगा ना बाइक चलाने का आपको, मैं बता रहा हूँ। स्प्लेंडर भी हुई ना आप पे, आप उस पर भी मजे लोगे फुल, क्योंकि बाइक का एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा होता है। तो जो बंदे बाइक से प्यार करते हैं, जिन्हें अच्छा लगता है बाइक चलाना, उन्हें बाइक से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें राइडिंग से फर्क पड़ता है कि चलाते टाइम कितना मजा आ रहा है। तो वो मजा भाई स्प्लेंडर वाले भी ले सकते हो, खुद आपको प्यार आने लगेगा उस पर, ऐसा लगेगा बस तू ही है जो धोखा नहीं देती, कुछ दिन नहीं चलाऊं तब भी, समझ रहे हो ना। समझ रहे हो क्या बोल गया है मैं, पर ठीक है फिर भी समझ गए होगे आप। बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक, और ये लग रहा है हमको हाईवे पे जल्दी जाने नहीं देगा, पर हम निकल जाएंगे साइड से, बाइक है साए साए करते हुए निकलेंगे। चलो आगे हल्का ट्रैफिक है, कंटिन्यूअसली ऐसे भगा नहीं सकते भाई, देख रहे हो बाइकें वाइकें गाड़ियां वाड़ियां कुछ ज्यादा ही है। फिफ्थ गियर में तुरंत 150 पकड़ती है, लेकिन सिक्स्थ गियर में आने के बाद ऐसे धीरे धीरे 160 फिर उससे ऊपर जाती है 170 173 तक, बोले 173 तक, अभी तो 160 तक ही गई, मैंने ही ब्रेक मार दिए क्योंकि यार ऐसे ट्रैफिक में भगाना इट्स नॉट गुड। चलो फिर अभी निकलते हैं घर, घर चल के थोड़ा रेस्ट करते हैं और इस वाले व्लॉग को भी एडिट करके फटाफट अपलोड करते हैं, क्योंकि आप लोग भी वेट कर रहे हो बीएमडब्ल्यू का व्लॉग कब आएगा भाई, ऑटो एक्सपो वाले पे तो आपने रिस्पॉन्स दिया नहीं बढ़िया, पर कोई बात नहीं, अपन एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो यही एक्सपेरिमेंट भी हमने किया था ऑटो एक्सपो के अलग अलग व्लॉग डालने का, पर कोई नहीं चला तो इट्स ओके। फिलहाल अपन एंड करते हैं इस वाले व्लॉग को, अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप यहाँ नए हो तो, और कमेंट करके बताना कैसा लगा अपनी बाइक का ये वाला व्लॉग, और हम आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। चलो बाय बाय। और आगे जा रही है हिमालयन, क्या बात है, ताऊ देख रहे हैं बैठे हुए, कह रहे हैं लड़के कितनी तेज चला रहे हैं देख लो भाई।